नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन क्या वाकई में रियल मनी को रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मदद से ऑनलाइन गैम्बलिंग में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग बदलती जा रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरे इस डिस्कशन से, इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, क्या महत्व है क्रिप्टो करेंसी का और कितने वाइड लेवल पे लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस हवा में हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक फालूदा है, फालूदा मतलब कुछ नहीं, हवा का गुब्बारा, फालूदा कुछ भी कह लो, या जितने भी लोग कह रहे हैं बबल है बबल है, ठीक है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी में वो लोग हैं। हो सकता है बबल कह सकते हो, लेकिन फालूदा है कहना और ये कहना कि ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कहीं ये यूज़ नहीं होता, ये पूरी सरासर गलत बात है। जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का करेंसी है, ये वाकई में बड़े मासिव लेवल पे, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इसका यूज किया जा रहा है, और इतने सेक्टर हैं, इतने अलग अलग सेक्टर में इसका यूज किया जा रहा है कि आप खुद जान के हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। अगर आप बात करें, अगर मान लिया आप लोगों ने फ्लाइट बुक करानी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फ्लाइट बुकिंग करनी है या फिर कहीं रेंट पे कोई कार लेनी है, तो इस तरह की वेबसाइट आई है, शुरू हो गई है, ओपन हो गई है, जहां से आप क्रिप्टो करेंसी की मदद से, बिटकॉइन की मदद से आप वहां पर रेंट ले सकते हैं, कमरा रेंट पे ले सकते हैं, कार रेंट पे ले सकते हैं, और इसके अलावा बहुत और चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मकान खरीदना है, तो ऐसे ऐसी वेबसाइट बनी है जहां से आप क्रिप्टो करेंसी की मदद से, बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन की मदद से आप कोई भी हाउस परचेज कर सकते हैं, और वो रियल उस पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ वेबसाइट है, मतलब लीगली वो लोग काम कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी की मदद से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप कार का एग्जांपल ले लीजिए, अभी टेस्ला की एक कार 99 बिटकॉइन में बिकी थी, तो कार से लेके आप होटल बुकिंग से लेके, नॉर्मल मैं रियल वर्ल्ड के एग्जांपल बता रहा हूँ, इन जगहों पे इसका यूज शुरू हो गया है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है साइप्रस में, एक कॉलेज है, वहां पर ट्यूशन फी जो होती है, यानी कि जो आपकी फीस लगती है हर ईयर, जो सेमेस्टर फीस जाती है, वो सेमेस्टर फीस वो लोग बिटकॉइन में लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसको ऐसा नहीं है कि केवल ये अब केवल डिजिटल करेंसी है, एक इनक्रिप्टेड है या वो है, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, अब इसका रियल यूज होने लग गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी एप्लीकेशंस, कई सारी वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर और दुनिया भर की अलग अलग एप्लीकेशन ऐसी स्टार्ट हुई हैं इन 2 या 3 सालों के अंदर, जो कि प्राउडली बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि इथीरियम को, लाइट कॉइन और ऑल्ट कॉइन को ले रहे हैं प्राउडली, गर्व के साथ। और ऐसा नहीं है कि कोई वो छोटी मोटी फॉर्म्स हैं, उनके पीछे बड़े मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट अपने उसमें। तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक जगह पे अलग अलग तरीकों से इसका यूज होने लग गया है। अब जितने सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी ये कभी रिप्लेस नहीं करेगा, पैसा रिप्लेस नहीं हो सकता, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा रिप्लेस हो जाएगा, मगर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये सारे रियल एग्जांपल हैं, असली के एग्जांपल, कोई एजम्पशन नहीं कर रहा हूँ, या ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा होगा, ये हो रहा है, करीबन नहीं भी तो कई हजार वेबसाइट बन गई है, अलग अलग सेक्टर में कितनी वेबसाइट बननी है जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। जितना भी आज कल तक आप लोग पैसा दे रहे थे सर्विसेज को लेने के लिए, आज वो सारी वेबसाइट आपसे केवल बिटकॉइन चाहती है, आप उनको बिटकॉइन पे कीजिए और सर्विस का मजा लीजिए, इस तरीके से काम होने लग गया और ब्रॉड लेवल पे। अब बात करते हैं जिन कंट्री में ये लीगल हुआ है, लीगल तो ये जिन जिन कंट्री में यहाँ पर लीगल हुआ है, जैसे जापान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जापान में आप बिटकॉइन की मदद से कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, तो आप बिटकॉइन दीजिए, चाय पीजिए,
इसके अलावा सामान खरीदिए, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉपिंग करनी है उस पर आप बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। मतलब छोटी मोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े चीज़ों तक का आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। और बिटकॉइन का क्या है माजरा कि बहुत ज़्यादा लोगों तक बिटकॉइन की बात गई है। मतलब जितने लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग को ये पता है बिटकॉइन, उनको ये नहीं पता ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं, इथेरियम क्या है, लाइट कॉइन क्या है, लेकिन सबको पता है बिटकॉइन। तो मासिव लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे और बिल्कुल सही तरीके से इसका यूज किया जा रहा है जैसे होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, अब इसके साथ अब मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। तो ये धीरे धीरे पैसा तो ये रिप्लेस कर ही रहा है, जहां पर आज तक पैसा लग रहा था, आपके अकाउंट से पैसे कटते थे, उन सभी जगहों पे आज बिटकॉइन और इसका यूज किया जा रहा है। और वो क्यों कर रहे हैं, उसका भी अपना एक बेनिफिट है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो अगर ब्लॉकचेन के हिसाब से अपना अगर आपसे बिटकॉइन लेते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में उतना खर्चा नहीं है। अगर वहीं पे सेम चीज़ की अगर आप बात करो, इसकी जगह आप क्रेडिट कार्ड की बात करो या फिर दूसरे पेमेंट की अगर बात करो, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी आप पेमेंट देते हैं, एक तो आपका पैसा कटता है और जो पैसा कटता है वो ज़्यादा कटता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। अगर आप बात करें, यहाँ पर ऐसी ऐसी करेंसी है, मियोटा का अगर आप एग्जाम्पल लें, मियोटा तो ट्रांजेक्शन फ्री है, यानी कि भेजो लो जो भी करना है करो, कोई पैसा नहीं कटेगा। इसके अलावा इथेरियम की बात करो तो लार्ज अमाउंट में भी 20 रुपया कटता है आपका, बिटकॉइन में थोड़ा ज़्यादा है, 200-250 रुपया कटता है। लेकिन अगर आप देखो तो मतलब ये है कहने की बात कि रियल उसमें जहाँ पर पैसे लग रहे थे, जहाँ पर आप पैसा दे रहे थे और जो नेसेसरी चीज़ें थी जो आपको लेनी ही लेनी है, उन चीज़ों पर भी अब बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी का यूज़ शुरू हो गया है। तो ये धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे पैसे को रिप्लेस कर रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर इसकी पॉपुलरिटी चलती रही, अगर कोई इसमें जिस तरीके से चल रहा है ऐसी अगर बढ़ता रहा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से नई नई वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन निकल रही है मार्केट में, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लगभग हर सेक्टर की, और जो लोग प्राउडली बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, आज का समय जो है और आज से 5 साल आने वाले देखो, पहले हम लोग कहाँ थे, 10 साल पहले हम लोग क्या करते थे, दुकान में जाके सामान परचेज करते थे, पैसा देते थे। लेकिन इन्हीं 2-3 सालों के अंदर देखोगे, अगर तुम पिछले 2-4 सालों के अंदर, तो वाइड लेवल पे ऑनलाइन लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन किससे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है वहां से सामान परचेज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे जितने भी ई कॉमर्स स्टोर हैं या फिर ऐसे जितनी एप्लीकेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पर को लोग बिटकॉइन की मदद से अब सर्विसेज का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया है। और ये धीरे धीरे मासिव लेवल पे, मासिव का मतलब बहुत सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं केवल कुछ ही लोग इसका यूज कर रहे हैं। जितनों के पास बिटकॉइन आ रहा है, जितनों के पास क्रिप्टो करेंसी आ रही है, वो चाह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी का ही यूज करें, क्योंकि उसके अपने एक बेनिफिट है। उसका यह है कि आपको कोई ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपने कोई वेट नहीं करना कि आपने डाला उसके बाद दूसरे के उसमें जाएगा, टाइम लगेगा, पैसा ज़्यादा कट रहा है, कुछ नहीं। आपने यहाँ से क्लिक किया, अपना अमाउंट डाला, जितना भेजना है वो डालो, सबमिट करो और आपका पैसा तुरंत दूसरे के अकाउंट में। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, कोई पेमेंट गेटवे नहीं लगाना आप लोगों ने, कोई बैंक से उसका वो नहीं करवाना, कुछ नहीं। कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, सब कुछ गायब, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, आप हो और सामने वाला बंदा है जिसको आपने पे करना है, वो और आप, कोई आपके बीच में कोई तीसरी चीज नहीं। और ये काम जो हो रहा है ये प्रूफ तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हल्के फुल्के में और उसका कोई हिसाब नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। 9-10 सालों से शुरू हुआ है, 2009 में बिटकॉइन आया था, उसके बाद से इसका यूज होना शुरू हुआ, और 8 साल तक, 10 साल तक अगर कोई चीज यूज हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर लोग उसे यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ऐसा नहीं कि कोई काली खाली कोई डिजिटल करेंसी है, कोई 2-4 एल्गोरिदम लगा रखी और होगी बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। रियल वे में यूज हो रहा है, और क्योंकि करेंसी में दम है, क्योंकि करेंसी में वो क्षमता है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जा रहा है। वरना आप देखो जो पेमेंट वाली चीजें होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, दुनिया भर के उसमें प्रोटोकॉल लगे होते हैं, लेकिन बिटकॉइन की मदद से अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये इस तरीके से हो रही है। पहला इसका वो है कि ये क्यों कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा आप यूज देखिए, कई सारे लोग क्या हैं, डर रहे हैं, घबरा जाते हैं कि यार बहुत वोलेटाइल है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बेशक जाएगा, इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अभी तो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे सर्विसेज आगे बढ़ेंगी इसमें एक स्टेबिलिटी आती रहेगी क्रिप्टो करेंसी में।
अगर ये प्राइस कम भी हुए, कम होने के बाद में इनमें एक स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये चीजें कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये केवल वहीं तक सीमित नहीं रह गया कि ये डिजिटल करेंसी है, ये एनक्रिप्टेड करेंसी है, या फिर इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। ये केवल इतना थ्योरेटिकली उस पर सीमित नहीं है, अब ये धरातल पे उतर रहा है, जमीन पे इसका काम दिख रहा है, सर्विसेज इसके आदान प्रदान होने लग गए हैं और ब्रॉड लेवल पे इसका यूज किया जा रहा है। तो ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि कैसे और जगह पे यूज हो रहा है। देखो क्या होता है, कई सारी कंपनियां हैं जिनको स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए। जब वो कंपनी स्टार्ट होती है तो जब वो कंपनी कुछ अपने उसमें नई चीजें करती है तो उनको पैसा चाहिए होता है ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब वो फंडिंग कहाँ से होगी? इतने सारे इन्वेस्टर तो बैठे नहीं है कि जो हर कंपनी को फंड देंगे। तो क्रिप्टो करेंसी की मदद से आज कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने लिए फंड रेज कर पा रही हैं। इथीरियम बेस्ड कितने सारे आईसीओ ऐसे ओपन हुए जहां पर को उन्होंने इथीरियम कलेक्ट करके अपने लिए कितने करोड़ों की फंडिंग जमा कर ली, और किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना विजन बताना है, क्या काम आप कर रहे हैं, कितना काम आपने किया है, और आप क्या चीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा और लोगों को पसंद आया तो वो आपसे आपकी करेंसी परचेज कर लेंगे। आपने आईसीओ लॉन्च किया, 100 करोड़ करेंसी बाहर कर दी, 1 रुपया दाम रखा और आपको 100 रुपये, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग वैसे ही मिल गई। कहीं नहीं जाना पड़ा, किसी के पास नहीं जाना पड़ा, यहाँ से लोगों ने परचेज किया, आप तक वो फंडिंग पहुंच गई। अब आप करो जो करना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखो 3,000 या उससे ज्यादा आईसीओ ओपन हो गए 2-3 सालों के अंदर, 3,000 से ज्यादा आईसीओ, और कितने करोड़ों अरबों की फंडिंग चली गई है, यानी कि इतने इतने ब्रॉड लेवल पे लोगों ने परचेज किया उन करेंसीज को कि इतने इतने ज्यादा रुपयों की उसमें फंडिंग उनके पास मिल गई है। तो ये देखो एक कितने तरीके से यूज किया जा रहा है, दूसरा केस ये है। तीसरी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गैम्बलिंग की। तो भाई सबको पता है ऑनलाइन गैम्बलिंग में क्या होता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग ले लो, कसीनो, ताश के पत्तों का गेम, या फिर आप बात कर लो उसकी क्या नाम है, सट्टे की, जहां पर को ऑनलाइन बैटिंग आप करते हो। अब होता क्या है, जब आप बैटिंग करते हो तो क्या करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर अपने बैंक से वहां पैसा डालते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मल्टीपल कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हैं, कहीं तो वो लेजिटिमेट है, कहीं लेजिट है करना ये बैटिंग वैटिंग, और कहीं पे लेजिट नहीं है, कहीं पे लीगल नहीं है। तो अब है क्या इस केस पे कि यहाँ पर होती है बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। और ये मार्केट जो है ना ऑनलाइन गैम्बलिंग का, कसिनो का और ऑनलाइन बैटिंग का, ये छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ा, अरबों खरबों रुपये पर डे के कितने कितने रुपये इसमें लगते हैं पूरे। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जब पर दिन का सट्टा अगर कैलकुलेट करोगे आप, चाहे कसिनो का ले लो, चाहे किसी भी चीज का ले लो, चाहे ऑनलाइन बैटिंग का ले लो, तो करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा लगता है केवल एक दिन में। अब आप एक बात सोचिए, जब आप वहां पर करते हैं तो आपने कोई अमाउंट जीता, तो क्या करती है वो जो वेबसाइट जहां पर आप कर रहे हैं वहां पर, वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, जब आप कोई अमाउंट जीतते हो तो उसका कुछ परसेंटेज काट देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इतना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, या जो भी वो चीज कर रहे होंगे तो वो उतना परसेंट काट देते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के आने से कितने सारी ऐसी वेबसाइट ओपन हो गई हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग की, ऑनलाइन बैटिंग की, जहां पर को प्योरली क्रिप्टो करेंसी की मदद से आप गेम खेल सकते हैं, चाहे आपको कैसीनो खेलना हो, चाहे ऑनलाइन बैटिंग करनी हो, बदले में आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी और आप वहां पर क्रिप्टो करेंसी को लगाएंगे। अब इससे फायदा क्या हो रहा है वो देखिए। पहला फायदा, ये जो बैंक क्या होता है ना, बैंक ऐसे किसी को वो नहीं देता। अगर आप पेमेंट करना करेंगे ना जब भी बैंक से, तो बैंक क्या करता है कि जितने भी इस तरह की वेबसाइट होती है वहां पर बैंक पेमेंट नहीं करता। कई सारे बैंक इनसे हटके रहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो जाए। तो क्या होता है इस केस में कि जब बैंक ही नहीं रहेगा, जब कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, आप हो और आपकी वेबसाइट है और उनके अपने प्रोग्राम है जो चल रहे हैं, जिसपे आप जीत रहे हो हार रहे हो, तो इसके बीच में जब अथॉरिटी नहीं है कोई, बैंक ही नहीं है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि डायरेक्टली आपने यहां से क्रिप्टो करेंसी डाली, आपने बिटकॉइन पे किया, किसको पे किया, वेबसाइट पे पे किया, आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट में अपडेट हो गया जितना आपने बिटकॉइन डाला, और आपने वहां पर गेम खेलना शुरू कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जब भी आप पैसा डालते हो किसी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट पे या ऑनलाइन बैटिंग साइट पे, तो क्या होता है, जब आप पैसा डालते हो तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन, उसका पैसे में कुछ चार्ज कटता है, ठीक है। तो ये चार्ज क्या होता है, ये होता है ज्यादा,
क्योंकि जब भी आप डालते हो तो आपको 2% 5% जितना भी कटता है वो आपका चार्ज करता है। लेकिन सेम अगर आप बात करो क्रिप्टो करेंसी की, तो जैसे ही आपने यहाँ से सेंड किया क्रिप्टो करेंसी, वो चले जाएगा इंस्टेंटली जहाँ पर आप भेजना चाहते हो। और दूसरा, जो उसका चार्ज कटेगा वो एज कम्पेयर टू बैंक बहुत कम होगा। तो ये तो उसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या होता है कि जब भी आप किसी को सेंड करते हो, खास करके ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट पे या फिर किस इस तरह की साइट पे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ होती है अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई भी बंदा गैम्बलिंग साइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालना नहीं चाहता। कोई भी बंदा इस तरह के साइट पे अपना बैंक डिटेल या फिर अपनी कोई जो सीक्रेट क्रेडेंशियल हैं, जो जो बहुत सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, उनको वो वहाँ डालना नहीं चाहता। अपना पूरा नाम, अपना एड्रेस या फिर ये KYC, कौन बंदा डालना चाहेगा ऑनलाइन गैम्बलिंग में अपनी KYC? तो क्या हो रहा है कि जब आपके पास क्रिप्टो करेंसी होगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस चीज़ पे है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एनोनिमस है। जो ट्रांजेक्शन होता है वो एनोनिमस होता है, पता नहीं है किसका कहाँ से किसके पास जा रहा है। आपको उस आदमी का पता नहीं है, उस आदमी को आपका पता नहीं है, केवल आपका पेमेंट उसके पास जा रहा है और वो प्रूफ होके जब पहुंच जाता है तो कंफर्म हो जाता है। केवल इतनी चीज़ है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी इसका बेनिफिट है। जब भी ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन बैटिंग में इस तरीके से यूज़ होगा, जहां पर कोई बंदे की इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल आप अपने अकाउंट पर डालो पैसा और आपने क्रिप्टो करेंसी के जरिए पे किया और आपको क्रिप्टो करेंसी मिल गई, तो वो कितना बड़ा चीज़ है सोच के देखो। ये लग रहा होगा तुम्हें हल्का फुल्का, लेकिन अगर रियल उस पर देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यही तो समस्याएं हैं जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट है या फिर जितनी भी ऑनलाइन बैटिंग साइट है। पर समस्या क्या है? समस्या यही तो है, कोई बंदा KYC नहीं करना चाहता, बंदे पेमेंट बैंक से नहीं करना चाहते, वो लोग थर्ड थर्ड उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो तीसरे पेमेंट गेटवे हैं उन पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। और वो भी जितने पेमेंट गेटवे हैं वो क्या पूछते हैं इंसान से कि आप गैम्बलिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हो? अगर आप गैम्बलिंग के लिए कर रहे हो तो फिर रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से क्या होगा कि आप डायरेक्टली करोगे और किसी का किसी को पता भी नहीं होगा। आपने किसी को भेजा, केवल डिपॉजिट एड्रेस होता है, ठीक है, केवल एड्रेस आपके पास, उसका एड्रेस है, उसके पास तुम्हारा एड्रेस है, और एड्रेस से घंटा भी तुम पता नहीं कर सकते हो किसका एड्रेस है, इतना इतना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंशियल है मामला। तो ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्टर को तो ये पूरा बदल के रख देगा। और हो क्या रहा है, हो यही रहा है, नीचे से कितनी सारी वेबसाइट बन गई है इसी साल के अंदर, ये जो 2017 है, कितनी वेबसाइट ऐसी बन गई है जहाँ पर को आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हो या फिर इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। और वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, और फ्यूचर जो है इस चीज़ का कह लो या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पर कोई इसी तरीके से यूज़ होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक अल्टरनेट मेथड की तलाश तो पहले से थी, अब ये चीज़ आ गई है, प्रैक्टिकली दिख भी गई है, प्राइसेस में भी इसका प्राइस बढ़ गया है, लोगों तक बीच में जानकारी चली गई है, ज़्यादा लोगों ने इसे एडोप्ट भी कर लिया है। तो अब क्या होगा, अब यही होगा, अब ये चीज़ जा रही है और इस तरीके से काम हो रहा है। तो समझ रहे हो, और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं चीज़ें, और ज़्यादा फायदेमंद सहूलियत हो गई है इस चीज़ से। अब इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बताई, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ केवल यूज़ केस स्टडी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से कि जाएगा और ऑनलाइन गैम्बलिंग करना शुरू कर देगा, या कह रहा है कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है मैं जाके अब बैटिंग शुरू कर दूँ। भाई मैं बैटिंग और इन चीज़ों के खिलाफ मैं हूँ, कभी भी अपना पैसा सट्टेबाजी में और इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए, जहाँ लेजिटिमेट है, जहाँ पर लीगल है, या फिर जहाँ पर देखो खेलता कौन नहीं है, मतलब वैसे तो बैठ के जुआ खेलते ही होगे ना, यहाँ से रगड़ लो सूरती और वहाँ से जुआ चल रहा है, दिवाली में सब लोग के घर पे चलता है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहना यह है कि मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, केवल मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पहले क्या थी, अब किस तरीके से यूज़ हो रही है और आने वाले समय पे किस तरीके से उसका यूज़ होगा। ना ही मैं इसको प्रमोट करता हूँ तुम्हारी गैम्बलिंग को, और ना ही मैं कोई अदर चीज़ ऐसी प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ प्रिकॉशन के साथ कि ये यूज़ केस स्टडी है, इस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो मैं किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि कई सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि ये कैसे बदल रहा है, उनको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे बदल रही, मतलब क्रिप्टो करेंसी से क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा है, खाली उनको ये पता है कि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बस इतना पता है। तो उनको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ये यूज़ हो रहा है, और इसके यूज़ होने से क्या फ़ायदा है उन लोगों को, क्या फ़ायदा है आपको, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है, अगर इसका इस वाइड लेवल पे जब यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ही चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे ही वो जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो चीज़ें जैसे ही ज़्यादा बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनके दाम भी बढ़ेंगे,
ऐसा नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी है इसमें या फिर कोई फलूदा है, आया खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की लागत से आज कंपनियां शुरू हुई हैं, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से, और वो प्योरली बेच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो आप क्या सोचते हैं, ये जितने भी पूरे दुनिया पे चीज़ें चल रही हैं, जितने देशों ने इसको लीगल किया है, वो क्या कर रहे हैं? उन ये चीज़ जो है केवल कागज तक का या फिर केवल कंप्यूटर में कोड तक का सीमित नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। जब कायदे में स्टार्ट हुआ था तो ये ऑल्टरनेट मेथड था, ये डिजिटल करेंसी बनाने का, जो डिजिटल करेंसी होती है ये उसे बनाने का एक वो था। स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था तो केवल उनको एक डिजिटल करेंसी बनानी थी जो कि सही से काम कर सके, लेकिन अब ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसका इस तरीके से यूज कर रहे हैं, और इसका फायदा भी है, ऐसा नहीं इसका नुकसान है। ये तो आप ये समझो कि मैंने ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग के उसमें एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल भी दिया, रियल एग्जाम्पल जो हो रहा है, ये स्टडी केस स्टडी है और ये हो रहा है सब जगह, ये चल रहा है इस तरीके से काम, वो मैंने आपको बताया। लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये फालूदा वालूदा कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कोई समय होगा जब आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है वाली बात नहीं है, अब ये बात बहुत आगे चली गई है। अब ये बात ये हो गई है कि सब जगह यूज़ होने लग गया है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे इसका यूज़ करने लग गए हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत नफ़ा भी कमा रहे हैं, बहुत मुनाफा भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो रही है, दूसरा उनके लिए सहूलियत है, दुनिया भर के झाड़ों से बच जाएंगे वो लोग केवल एक क्रिप्टो करेंसी की मदद से, तो उस कौन नहीं करना चाहेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जितने भी लोग घबरा रहे हैं कि यार बबल होगा, ये होगा, कल के दिन 0 रुपया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, देखो ऐसा है, वोलेटाइल तो करेंसी है, अगर अभी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जितने भी हैं सारी वोलेटाइल है, अभी बढ़ रहा है, अभी फेज है तो बढ़ रहा है, कल के दिन जब मान लिया नॉर्मल हो जाएगी तो क्या पता आधी करेंसियां अपने उस पर आ जाएं, असली जो उनका प्राइस हो सकता है। मान लिया इथेरियम का प्राइस तो 32,410, आप देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस 1,11,48,000 अभी, तो आपको सच लग रहा है 11,48,000? आप इससे पहले सोचिए जरा, 5-6 साल पहले सोच सकते थे इतना प्राइस किसी चीज़ का कि 11,48,000 रुपये का एक बिटकॉइन होगा? समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका ये जो प्राइस है ये कोई एक्चुअल प्राइस नहीं है। जिन लोगों को ये गलत फहमी में, जिन लोग की अभी जाएगा 50 लाख हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, सस्टेन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, लेकिन कितने में जाके स्टेबल होगा ये नहीं कह सकते, समझ रहे हैं आप? तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी वो आनी बाकी है। ये तो केवल ये है कि बिटकॉइन कम है, बहुत कम बिटकॉइन है, इस वजह से इतनी प्राइस बढ़ रही है। अब सारे लोगों को चाहिए बिटकॉइन, दुनिया भर में अरबों खरबों लोग रहते हैं, अरबों तो हमारे इंडिया पे रहते हैं, और दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, कितने लोग हैं। अब ये सारे लोग को चाहिए बिटकॉइन और बने हैं बहुत कम, तो प्राइसेस तो बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। अब बाजार में प्याज का दाम बढ़ा था अभी इससे पहले, प्याज का दाम क्यों बढ़ा था? इसलिए बढ़ा था कि डिमांड ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई बहुत कम थी, मिल नहीं रहा था कहीं पे, तो एक एक मतलब दाने की कीमत भी 20-20 रुपये में लोग दाना लेके गए, एक प्याज का दाना 20 रुपये में, किसी को 25 रुपये में किसी ने ले लिया। इस तरीके से ये फेज जो चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है अभी, समझ लो ना, ये चल रहा है इस तरीके से। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर ब्रॉड लेवल पे इस तरीके से काम चलता रहा, जैसे सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं हर जगह पे यूज हो रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, ये भले ही इसके प्राइस में इंक्रीमेंट ना आए लेकिन ये स्टेबल होने लग जाएगा। और जहाँ से एक बार ये स्टेबल हो गया, जहाँ से ब्रॉड लेवल पे लोग यूज़ करने लगे, हर किसी के पास बिटकॉइन हो गया, तो वहाँ पर फिर इसकी कीमत को आप कम नहीं कर सकते, वहाँ पर फिर इसकी कीमत सस्टेन हो जाएगी, अपनी जगह पे रुकेगी, और वहाँ से चीज़ें प्रॉपरली सही तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैं कहना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ, इस चीज़ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसके लिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और क्या क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग मोस्टली जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं वो सारे के सारे नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें से मोस्टली सेक्टर्स जितने भी हैं वो बिटकॉइन को इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है? और कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बिटकॉइन इम्प्लीमेंट हो चुका है, कई सारे सेक्टर, ये कार का, ऑनलाइन शॉपिंग का, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मतलब ये रियल एग्जाम्पल है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। तो ये एक चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये मैं बताना चाहता था आपको, और यही बताना चाहता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड में भी काम कर रहा है और इसके धरातल में आने की देर है। एक बार अगर ये नीचे आ गया तो ये जो खरीदते हो ना सामान, सब्जी अब्जी, ठेला वाला कहेगा आपसे भाई क्यूआर कोड डाल के, मतलब
स्कैन कर लो मेरा क्यूआर कोड और इतना रुपया डाल लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। इस तरीके के दिन भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे अगर ये इस तरीके से चलता रहा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका निगेटिव भी है। अब निगेटिव यह है कि जैसे ही आगे बढ़ेगा, अगर इससे कोई ऊपर बैठी ऑर्गेनाइजेशन को खतरा महसूस होता है तो वो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन। और उसमें बातें जो निकल के आ रही थी वो ये थी कि अगर आपके पास बिटकॉइन होगा तो, पता नहीं मैं कहाँ से न्यूज़ सुन रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है। अब ये कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, ये उनकी हेडेक है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, तो इसके निगेटिव बहुत चीज़ें हैं। पहली तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि प्राइस इतना बड़ा है। अभी बिटकॉइन को देखो 11,44,000 रुपये, ये कोई प्राइस होता है? ये कोई प्राइस है? मतलब सोच के देखो तुम यार कि कोई एक चीज़ होती है, एक एसेट होता है, कि आपने ज़मीन खरीदी तो ज़मीन की आप बात कर लो यार, चलो 11,44,000 रुपये का इतना प्लॉट आपको मिल गया। वहाँ पर ये होता है कि आपके पास प्लॉट है, रियल वर्ल्ड में उसका यूज़ है, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो खोद के उसमें सब्जी उगा लोगे, वहीं से कुछ खा लोगे। लेकिन एक करेंसी का, केवल एक डिजिटल करेंसी का इतना ज़्यादा अमाउंट में उसका प्राइस बढ़ जाना, ये खतरे की निशानी भी है। इसको केवल पॉजिटिव उसमें मत लेके चलो, ये एक वाकई में खतरे की निशानी है। ये इसलिए भी खतरे की निशानी है क्योंकि जब किसी कॉइन का दाम इतना बड़ा होगा तो धीरे धीरे एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पर वो अपने आप ही कस्टमर को लूज करने लग जाएगा, तो छोड़ना शुरू कर देंगे कि नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, इसके अल्टरनेट मेथड क्या है उस पर जाएंगे लोग, इसको नहीं लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, तुम क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है ना, मार्केट पे। तो जो समझ रहे हैं उस तरीके से काम करें, और जितने भी लोग बिटकॉइन होल्डर हैं उनके लिए फिलहाल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि घबराने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है, मासिव पैमाने पे यूज़ हो रहा है और सही तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। अब दूसरे इसके नेगेटिव पॉइंट ये भी है ना, एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि एनोनिमस ट्रांजेक्शन है, पता नहीं चल रहा है किस नोट से कहाँ पर किसके पास गया, आदमी का पता नहीं, केवल वॉलेट एड्रेस का पता है। तो उससे तो कोई आदमी पता नहीं चल पाएगा, अब वो वॉलेट एड्रेस किसका है क्या पता करोगे आप? तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो इल्लीगल लोग हैं बड़े इल्लीगल धंधे में लग गए हैं, मतलब जो गलत काम होते हैं, दो नंबर का धंधा होता है, लोगों ने इस तरह की चीज़ें भी शुरू कर दी हैं। और जब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बड़े लेवल पे होंगी तो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसमें आपने अपने तरीके समझ के चलना है, और हमेशा जितने भी बिटकॉइन होल्डर हैं उनको न्यूज़ पे ज़्यादातर न्यूज़ देखनी ही देखनी है, कब प्राइस में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हुआ, ये वर्ल्ड की न्यूज़ रखनी ज़रूरी है। क्योंकि ये जितने बड़े उससे दाम ऊपर गया है उतने ही बड़े उससे दाम नीचे भी आएगा। प्राइस था ही क्या इसका, पिछले साल तक 60,000 रुपये का था, 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये से आप 11,42,500 का हो गया। अरे 30,000 रुपये से 60,000 का भी होता तो समझ में आता, चलो कोई बात नहीं यार प्राइस में ग्रोथ हुई है, आप लोग कहते हैं इस तरीके से। अभी कोई चीज़ 11,40,000 रुपये की चली जाए, और यहाँ पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं भाई खरीदेंगे ये 50 लाख जाएगा। देखो 50 लाख का मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है, तो श्योरिटी के साथ दाम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। ये जो दाम दिख रहा है आपको 11,42,500, ये जाएगा, बढ़ेगा, अब किस जगह पे जाके ये रुकेगा और फिर कितना नीचे आएगा ये नहीं कह सकते। अब जब नीचे भी आएगा तो तगड़े तरीके से आएगा, बताएगा नहीं आपको मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ पे निगाह रखनी शुरू कर दो जिसने परचेज किया है, और मेरे हिसाब से इसके जगह अल्टरनेट जो कॉइन है वो इथीरियम बहुत बेस्ट है, क्योंकि इथीरियम केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड एक कॉइन है, ठीक है। और जितने भी आप देख रहे हो ना ICO ओपन हो रहे हैं, मोस्टली जितने भी हैं वो इथीरियम बेस्ड ICO है, ठीक है ना। वहाँ पर इथीरियम का ही यूज किया गया है, जब ब्लॉकचेन जब पीछे काम हुआ है तो इथीरियम का यूज किया गया है, और जो फंडिंग हो रही है वो भी इसी के उस पर हो रही है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने समझनी है। तो किस पे करना है वो चीज़ आप देखो, कई सारे ऐसे सेक्टर के कॉइन आ रखे हैं मार्केट में जिनकी वाकई में ज़रूरत है, तो ज़्यादातर कोशिश करो कि उन जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो क्या होंगी, उनके पीछे एक प्रोडक्ट है जो कि सपोर्ट करेगा, अगर प्राइस कल के दिन कम ज़्यादा होता भी है, जो भी होता है उसके पीछे एक टीम है, उसके पीछे एक पूरी फर्म है जो कि उस कॉइन को सपोर्ट कर रही है, जो कि कुछ काम कर रही है जिसके बिना पे उस कॉइन की कीमत बढ़ेगी। अब आप अगर शेयर का एग्जांपल ले लो, फेसबुक का, गूगल का, किसी का भी शेयर, तो ये शेयर के दाम क्यों बढ़ते हैं, इसीलिए तो बढ़ रहे हैं कि वो कंपनी काम कर रही है, उनका टर्नओवर हो रहा है, वो लोग ज़्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, तभी उस शेयर के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी की एक इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हो। वैसे यहाँ पर कई सारे सेक्टर ऐसे हैं
जो कि ऑलरेडी जिनने करोड़ों की अपनी इन्वेस्टमेंट करी है और तब जाके अपने कॉइन लॉन्च किए हैं। तो ऐसी जगह पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर इस जगह पे क्या होगा कि वहाँ पर एक कंपनी है जिसका आपने शेयर, जिसका आपने कुछ अमाउंट ले रखा है, जिसकी आपने हिस्सेदारी ले रखी है। क्योंकि कई सारा मामला क्या हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि कई सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो केवल विजन के बिना पे खड़ी हुई है। मतलब वो जैसी मार्केट पे आई, उनकी वेबसाइट जब लॉन्च हुई तो उनने कुछ काम नहीं किया, एक रत्ती का काम उन लोगों ने नहीं किया। केवल अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन किया है कि हमारा इतना विजन है, 2018 में हम ये काम करेंगे, 2019 में ये काम करेंगे। अरे भाई तुमने काम क्या किया ये तो बताओ, तुमने अभी तक क्या काम किया? मैं ले आऊंगा कल के दिन अपना आईसीओ। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बेताब होते हैं आईसीओ में, मैं नया कॉइन आया मैं परचेज करूंगा। अरे भाई देख तो लो, मान लिया कल के दिन मैं अपना आईसीओ शुरू करता हूँ और मैं बोलूँ तुमसे कि मेरे आईसीओ में, मैं वेबसाइट में लिखूँ वहां पर कि मेरा विजन ये है कि 2018 के लास्ट में मैं सारे अपने इंडिया के ई कॉमर्स से बात करके आपको डिस्काउंट वो करवाऊंगा कि आप परचेज करो सामान तो आपको 20% का डिस्काउंट अगर आप मेरे टोकन का यूज करेंगे। अपने नाम का कोई टोकन बना दूंगा, इंडी टोकन, इंडू टोकन, टोकन, समझ रहे हो, इस तरह से कोई भी टोकन बना दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ पे देखो, इंडी इंडू मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इंडी इंडू, ठीक है? तो इंडी इंडू टोकन जो है वो मैंने लॉन्च कर दिए मार्केट पे। अब क्या इससे आप परचेज कर लोगे क्या? कर भी ऐसा ही रहे, अब लोग कर ही ऐसा रहे हैं, खाली विजन है वेबसाइट पे कि 2018 में ये होगा, 2020 में हम ये करेंगे। उनने किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक वेबसाइट बना के और एक ब्लॉकचेन इंजीनियर बैठा के अपनी एक आईसीओ ओपन कराई और लोगों को कॉइन बेच के अपना पैसा कमा लिया। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो समझने की चीज़ है, हर चीज़ को समझो, आईसीओ को समझो, उसके पीछे कौन है, वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जा रहा है। कई सारे कॉइन ऐसे जो वाकई में इंप्लीमेंट हो चुके, मतलब उनका यूज किया जा रहा है, और जो जिस कंपनी ने उन कॉइन को लॉन्च किया है वो कंपनी अपनी जगह पे उसको यूज करती है, अपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन में उसका यूज करने लग गई है। तो कम से कम एक तो आधार है जहाँ पर वो उसके जिसके सराउंडिंग में वो घूम रहा है। अगर कल के दिन लोग यूज भी नहीं करें, दूसरी फर्म्स यूज ना करें, तो वो तो है जो यूज कर रहा है, कुछ तो दाम रहेगा उसका, पूरा नीचे जाने से बढ़िया तो कुछ ही सही। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना, नीचे कमेंट में लिख देना अगर कोई सवाल हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।